पलवल के जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के छात्रों ने कबड्डी व एथलेटिक में स्वर्ण पदक जीते। नेशनल फेडरेशन कप प्रयागराज यूपी में डीपीएस स्कूल में 20 फरवरी 2021 से लेकर 21 फरवरी 2021 तक यह प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के छात्रों ने अपनी जीत का परचम लहराया। अंडर 17 और अंडर 19 की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त करते हुए गोल्ड मेडल पर अपना कब्जा जमाया। एथलेटिक टीम ने प्रथम स्थान व द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जिसमें अंडर 17 के खिलाड़ी देव गजेंद्र, उमेश यंत्र पारस, हिमांशु, दीपक, मोहित, नितेश, वीरपाल गहलोत, जिन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किए। अंडर 19 के खिलाड़ियों में धीरेन्द्र, मनदीप, हरकेश, कपिल सेव, बलदेव, अरुण, भारत व साहिल ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। एथलेटिक की टीम ने मोनू, प्रिंस, प्रवीण, विकास, जर्नेल, नितेश, शिव कुमार ने मेडल प्राप्त किए। स्कूल में छात्रों की सफलता पर फूल मालाओं से और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस समारोह को और छात्रों को उत्साह वर्धन करने के लिए अनूप कुमार, पूर्व भारतीय कबड्डी प्लेयर, ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी गोल्ड मेडलिस्ट को उनकी शानदार उपलब्धि पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधक वीरेंद्र गहलोत, स्कूल चेयरमैन वीरपाल गहलोत, बलजीत गहलोत व स्कूल प्रधानाचार्य विजेंद्र सिंह ने सभी खिलाड़ियों व उनके अभिभावकों को, साथ ही कबड्डी कोच अजय पाल चौधरी को इस उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। मैं उन सभी खिलाड़ियों का जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल पलवल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। जो ये अचीवमेंट है, एक पलवल डिस्ट्रिक्ट की नहीं, मैं हरियाणा लेवल के लिए एक गुड लक कहना चाहूँगा, क्योंकि अंडर 17 और अंडर 19 में इन दोनों टीम्स ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया प्रयागराज इलाहाबाद के अंदर, और एथलेटिक में भी हमारे बच्चों ने 100 मीटर 400 मीटर में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किए। तो सर, जो पेरेंट्स बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए आगे नहीं बढ़ाते, उन पेरेंट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे आप? मैं सभी पेरेंट्स को अपने जीवन ज्योति ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से ये कहना चाहता हूँ, आश्वासन देना चाहता हूँ, जो ये कबड्डी है, श्री अनूप कुमार जी युवम्बा टीम के कैप्टन हैं और एक इंडियन टीम लीडर रहे हैं, उनकी देखरेख में अक्का नाम से अनूप कुमार अकेडमी हमारे जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल में और चली हुई है। उन्हीं की देखरेख में आज जो ये मेडल प्राप्त किए हैं, उन्हीं की देखरेख में उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त करे हैं। मैं सभी पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा, जीवन ज्योति जो स्कूल है, एक संस्था है जो लगातार प्रतिवर्ष अपने टॉप 10 की लिस्ट में एक दो बच्चों को नाम देती है, वो अब खेल में भी डेली रोजाना प्रतिदिन कुछ ना कुछ गोल्ड मेडल, सिल्वर या ब्रॉन्ज देने के लिए इच्छुक जो भी खिलाड़ी हैं वो हमारी अकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं। सर, लगभग कितने बच्चों ने इन प्रतियोगिताओं में भाग लिया? इन सभी जो खिलाड़ी थे, या एथलेटिक में समझ लो या कबड्डी में समझ लो, तो 30 बच्चे थे हमारे यहाँ से, अपने पलवल स्कूल से, उन्होंने इलाहाबाद प्रयागराज में जाके अपना। मैं सबसे पहले तो जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल, जीवन ज्योति परिवार को तहे दिल से इनको शुभकामना देना चाहता हूँ और इनका धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। आज से 2-3 साल पहले इन्होंने यहाँ पे एक अकेडमी शुरू की थी कबड्डी के लिए, वो भी पेरेंट्स के अनुरोध पे। तो इन्होंने जो अपने इंडिया के कैप्टन थे अनूप कुमार जी, वो ही उनकी देखरेख में ही जो यहाँ पे कबड्डी खिलाई जाती है। तो मैं तो इनसे बार बार रिक्वेस्ट भी करता रहता था, तो इन्होंने पेरेंट्स की उस पर जो है एक बहुत ही साहसिक कदम भी उठाया है, जो कि एक जिसमें खर्चे भी बहुत होते हैं और कई बार पेरेंट्स इतना खर्चा जो सहन नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने उसको भी, किसी बच्चे के पास कम पैसे हैं या ज़्यादा हैं जैसे भी है, लेकिन उन्होंने सबका जो है एक इनके स्कूल का नाम रोशन हो, इन्होंने सहायता भी करी है बच्चों की, और आज जो है ये नेशनल चैंपियनशिप थी प्रयागराज में, तो वहाँ पे अंडर 17 में मेरा बेटा कैप्टन है कबड्डी की टीम का, वहाँ से इन्होंने गोल्ड मेडल लिया है। और मैं तो एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा एक बेटा पढ़ता था यहाँ पे पहले 2nd क्लास में, उसके बाद मैंने उसको 8 साल बाहर पढ़ाया, कैम्ब्रिज स्कूल में 10वीं कराई वहाँ से, उसके बाद भी फिर मैंने 11th और 12th यानी कि फिर वापस मैं जीवन ज्योति स्कूल में लेकर आया। तो मैं तो सब पेरेंट्स से भी कहना चाहता हूँ कि जो सुविधा, सहूलियत, अनुशासन, सभ्यता, संस्कार इस स्कूल में है, मैंने अपनी लाइफ में आज तक कहीं भी नहीं देखे।
मैं इतना तहदिल से इसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हर पेरेंट्स को इस परिवार से सीख लेनी चाहिए, ग्लोबल स्कूल में ही अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और कोरोना काल में, लॉकडाउन के समय में भी, चाहे इन पे कितनी भी परेशानी आई, स्कूल का स्टाफ है, बस है, सारे खर्चे हैं, लेकिन इन्होंने किसी भी पेरेंट्स को कभी परेशान नहीं किया फीस के लिए। जिसके पास बनी तो ठीक, जिसके पास नहीं बनी तो ठीक, इन्होंने सबको कोऑपरेट करके चले। तो मैं तो भगवान से यही दुआ करूँगा कि जिस प्रकार से ये पेरेंट्स और बच्चों को कोऑपरेट करके चलते हैं, काश अगर ऐसे ही सारे स्कूल चलते तो वो भी काफ़ी आगे बढ़ जाते। इसीलिए हमारे पलवल जिले में सबसे अच्छा, सबसे सुंदर, सबसे सुशील और सबसे सभ्य स्कूल है जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल। सर, अच्छा, सर जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल के बच्चे मेडल लेके आए हैं, अवार्ड लेके आए हैं, नाम रोशन किया है, क्या कहना चाहोगे? आप कोच भी हैं। सर, इन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है और ये मेहनत ओनली 7 डेज में इन्होंने क्लियर किया है अपना। इन्होंने 7 मैच खेले हैं बिहार के साथ, अदर स्टेट के साथ इन्होंने मेहनत करके अपना मेडल प्राप्त किया है इन लोगों ने। किस किस गेम में मेडल? इन्होंने एथलेटिक्स और कबड्डी में। सर, तो लगभग कितने बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया? 25 प्लेयर्स थे सर। तो एथलेटिक में कौन कौन से गेम आए थे? एथलेटिक में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर। तो अपनी जो कबड्डी की जो टीम है वो कौन से अंडर 16 है, 17 है? अंडर 17 और 19 कबड्डी की है। तो जो बच्चे स्पोर्ट्स से दूर भागते हैं, जो नशे की लत में है बच्चे, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं उन बच्चों को यही मैसेज देना चाहता हूँ, जब ये प्लेयर्स 7 डेज में नेशनल से ट्रॉफी और मेडल उठा सकते हैं तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं उन लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि खेल कूद की तरफ अपना ध्यान दें। अगर स्कूल के बच्चों के अलावा कोई बाहर का बच्चा आपसे कोचिंग लेना चाहे तो बच्चा आ सकता है आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल के अलग से अगर बाहर से कोई बच्चा इच्छुक है खेलने के लिए तो कोचिंग के लिए आ सकता तो है। किस तरीके से आप वो बच्चा जुड़े आपसे? ये बच्चे सर स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक उत्साह है इनके अंदर खेलने का, एक जज्बा है इनके अंदर। बाहर का कोई बच्चा आपसे जुड़ना चाहे तो किस तरीके से आपसे जुड़े? अभी कोई अकेडमी हो या स्कूल के नाम से हो कुछ? बेटा आपका, बेटा कबड्डी में आप मेडल लेके आए हो, इनाम जीत के लाए हो, नाम रोशन किया है स्कूल का, क्या कहना चाहोगे आप? सर, हमारी टीम काफ़ी डिसिप्लिन टीम है, सभी जो प्लेयर्स हमारी टीम के उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया, एज अ कैप्टन मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, और हमारे स्कूल मैनेजमेंट भी हमको बहुत सपोर्ट करता है। अनूप सर भी कई बार आए हैं, उन्होंने हमें टेक्निक्स दी हैं और स्किल्स सिखाई हैं, हमें आते रहते हैं, वो अलग अलग स्टेट्स में ले जाते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, खिलाते हैं हमको, और काफ़ी बार हम मेडल्स भी जीत खिलाए। तो आप लोगों ने ये कामयाबी जो की है तो किसको श्रेय देना चाहोगे आप? सर, हम सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट को श्रेय देना चाहेंगे, अपने पेरेंट्स को देना चाहेंगे और अपने कोच सब। धुरंधर जी, आप कबड्डी टीम के कैप्टन हैं और आप इनाम जीत के लाए, मेडल जीत के लाए, क्या कहना चाहोगे? सर, यही कि हमारी टीम ने पूरा सपोर्ट किया हमको और हमारे कोच साहब ने भी अच्छा वो सपोर्ट किया हमें, अच्छा 7 दिन में हमें अच्छे से प्रिपेयर किया है, और हमारे स्कूल ने भी हमें वो 7 दिन में आपने ये कंपटीशन की तैयारी करके आपने नाम रोशन किया स्कूल का। यस सर। और बच्चों को कोई मैसेज देना चाहोगे? यस सर, जो ये और लत में पड़ जाते हैं नशे की में, उनसे ये कहना चाहते हैं जब हम 7 दिन में मेडल ला सकते हैं तो वो भी कुछ करके वो भी कुछ प्राप्त कर सकते हैं। सर, आपका? मेरा नाम विजय कुमार है। सर, आपके जो भाई हैं उन्होंने एथलेटिक में मेडल जीता है, स्कूल का नाम रोशन किया, आपका भी नाम रोशन किया, क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा सर, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे स्पोर्ट्स की, कबड्डी का अनूप कुमार जी की स्कूल भी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे अपने बच्चों को भेजें और आगे एथलीट में, कबड्डी में, इसमें एक प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, तो इसमें बहुत आगे और अपॉर्चुनिटी है, बस यही कहूँगा। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं अनूप कुमार, अर्जुन अवार्डी, भारतीय कबड्डी टीम कप्तान। आप सबको एक सूचना देना चाहता हूँ, आज मैं बहुत खुशी की बात है कि अपने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक नेशनल चैंपियनशिप अभी हुई थी 20-21 तारीख को, जो कि उत्तर प्रदेश के डीपीएस प्रयागराज में हुई थी। और वहां पे जो अंडर 17 और अंडर 19 का जो टीमें थी, वो दोनों टीमें हमारा जो स्कूल है जीवन ज्योति ग्लोबल स्कूल पलवल में जो है, उसकी दोनों टीमें विजेता हुई है। मैं उन दोनों टीमों के खिलाड़ियों को और उनके कोच को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वहां पे जो अकेडमी चली हुई है ना, कबड्डी की जो अकेडमी चली हुई है, वो अकेडमी मेरे नाम से स्कूल में चला रखी है उन्होंने। मेरे बिल्कुल भाई जैसे संबंध है उनके साथ, मतलब भाई है एक तरीके से ये मान लो। तो मैं ये मैसेज उन सभी खिलाड़ियों को दे रहा हूँ जो कि खेल से जुड़े हुए हैं या ग्लोबल स्कूल से जुड़े हुए हैं, कि उन्होंने इतनी मेहनत करके अच्छा प्रदर्शन दिखा के अपने जो टीम है अंडर 17 अंडर 19 उनको गोल्ड मेडल दिलाया, तो उनको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और स्पेशली मैं जो हमारे इनके जो कोच हैं अजय पाल जी, उनको और जो स्कूल के जो प्रबंधक हैं श्री वीरेंद्र जी गहलोत जी, श्री वीरपाल गहलोत जी, भाई बलजीत गहलोत जी, और स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं विजेंद्र सिंह जी, उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अपने स्कूल में इतने अच्छे खिलाड़ियों को भी रखते हैं, पढ़ाई के साथ साथ आप स्पोर्ट्स से भी काफी अच्छे जुड़ाव रख रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं गहलोत फैमिली का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप ऐसे स्पोर्ट्स को ऊपर ले जाते रहिए, स्पोर्ट्स को बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।